नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ पल्लवी वर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार एनडीए तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और उसे 291 सीटों पर बहुमत शामिल हुआ है, जबकि विपक्ष ने इस बार काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस बार बिहार से 13 नए चेहरे सामने आए हैं, जिसमें से एनडीए से 7 और इंडी गठबंधन से 6 नए लोगों को सांसद बनने का मौका मिला है। ऐसे में अब रोचक खबर निकल के सामने आई है, जिसमें से बिहार से देश भर की सबसे युवा को सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव जीतने वाली शांभवी चौधरी देश की सबसे युवा सांसद बनी है। महज 25 साल की उम्र में उनको लोकसभा जाने का मौका मिला है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने उनको अपनी बेटी बताया था। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान की पार्टी एलजीपीआर ने सभी सीट 5 सीटों पर जीत हासिल की है। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी सनी हजारी को बड़े अंतर से हराया है। इसके साथ ही वह देश की सबसे कम उम्र की सांसद बन गई है। वहीं उनके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार करने आए थे। पीएम ने उनको अपनी बेटी बताया था। शांभवी चौधरी ने कांग्रेस कैंडिडेट सनी हजारी को 1,87,537 वोट से शिकस्त दी है। जब से उनकी उम्मीदवार की घोषणा हुई है, तब से लगातार इलाके में उनकी चर्चा हुई थी। एनडीए के कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों में भी शांभवी को चेहरे काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। खासकर युवाओं और महिलाओं के बीच वह तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। वहीं आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर समस्तीपुर सुरक्षित सीट से चुनाव जीतने वाली शांभवी चौधरी देश की सबसे कम उम्र की सांसद बन गई है। जिस दिन वह चुनावी जीती, उस दिन उनकी उम्र 25 साल 11 महीने और 20 दिन थी। शांभवी अनुसूचित वर्ग से आती है, वहीं लिहाजा सबसे युवा दलित सांसद भी बन गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने बिहार से सबसे कम उम्र का सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 1977 में जब वो सारण से सांसद बनी, तब उनकी उम्र महज 29 साल थी। आजादी के बाद भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र की सांसद बनने का रिकॉर्ड ओडिशा की चंद्रानी मुम्र के नाम है। चंद्रानी साल 2019 में जब सांसद बनी थी, तब उनकी उम्र 25 साल 11 महीना और 9 दिन थी। वहीं जीत के बाद एलजीपीआर कैंडिडेट शांभवी चौधरी ने ये कहा कि ये जीत समस्तीपुर की जनता की है। उन्होंने चिराग पासवान और एनडीए नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना वह पूरी कोशिश करेगी। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, मैं मानती हूँ कि लोगों ने मुझे अपने दिल में जगह दी है। इस मौके पर इतना जरूर कहूंगी कि लोगों को हर उम्मीद में मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूंगी। समस्तीपुर की जनता, एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताना चाहूंगी। मोदी ने शांभवी को बेटी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शांभवी चौधरी को जिताने के लिए लोगों से अपील की थी। उन्होंने मन से कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है, आप आशीर्वाद दीजिए, हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। एनडीए से चुनाव लड़ने वाली शांभवी बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी है। उनके दादा महावीर चौधरी भी सूबे के नेता रहे हैं। शांभवी की शादी पूर्व आईपीएस और पटना स्थित महामंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल से हुई है। वहीं दलित समुदाय से आने वाली शांभवी के पति भूमियार समाज से आती है। इसका उनको समस्तीपुर में फायदा भी मिला, जहां दलित और स्वर्ण समाज को एक मुफ्त वोट मिला है। आपको बता दे चले कि बिहार में 25 साल बाद 5 महिला सांसद होगी। इसके पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में बिहार से महिला 5 सांसद बनी थी। हालांकि तब बिहार और झारखंड एक थे। ऐसे में बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद यह पहला अवसर है जब एक साथ 5 महिला जीत हासिल कर लोकसभा पहुंच रही है। इससे पहले वर्ष 2019 में 3 महिला सांसद को जीत प्राप्त हुई थी।